without commitment, you'll never start. But more importantly, without consistency, you'll never finish. It's not easy. If it was easy, there'd be no Kerry Washington. If it was easy, there'd be no Taraji Henson, P. Henson. If it were easy, there'd be no Michael T. Williamson, no Stephen McKinley Henderson, no Russell Hornsby. If it were easy, there'd be no Denzel Washington. So keep working, keep striving, never give up, fall down 7 times, get up 8. Ease is a greater threat to progress than hardship. Ease is a greater threat to progress than hardship. So keep moving, keep growing, keep learning. See you at work. कंसिस्टेंसी से हर काम मुश्किल होता है, आसान होने से पहले हिंदोरी नजराधनाथ स्वामी बताते हैं कि पत्थर पे पानी की बूंद टप, लाउडली कमान, पत्थर पे पानी की बूंद, कमान, पत्थर पे पानी की बूंद, पत्थर पे पानी की बूंद टप टप टप, वो कमजोर पानी की बूंद है, फैल जाती है, लेकिन वही टप टप उसी कंसिस्टेंसी से वो पत्थर को थोड़े दिनों में चीर देती है। कंसिस्टेंसी चाहिए। Consistency in progression will get you out of recession and depression. Consistency चाहिए आपको। पहली बार में result नहीं मिलता, क्या लगता है घोड़ा घुड़सवार को चला रहा है या घुड़सवार घोड़े को? Is horse riding the rider or rider riding the horse? Okay, एक बारी खड़े हो जाइए। Everybody, please stand up, guys. Come on, जरा हाथ आगे लाइए, घोड़े को पकड़िए। ऐसा हाँ। बोलो come on, घोड़े को चलाओ, टुकड़ुक 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 टुकड़ुक, make noise, come on, टुकड़ुक 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 टुकड़ुक, गड्ढा आया, आपने घोड़े को बोला jump, घोड़े ने क्या किया? Jump, ठीक बात है, आगे चलो फिर, टुकड़ुक 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 टुकड़ुक, चलो चलो, टुकड़ुक 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 टुकड़ुक, एक और गड्ढा आया, घुड़सवार बोला jump, घोड़े ने क्या किया? वेरी गुड, आगे चलो फिर, टुकड़ुक 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 टुकड़ुक, एक और गड्ढा आया, घुड़सवार फिर से बोला jump, घोड़े ने क्या किया? घुड़सवार थक गया, सो गया, घोड़ा चलता रहा, टुकड़ुक 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 टुकड़ुक, गड्ढा आया, घुड़सवार ने नहीं बोला जम्प, पर फिर भी घोड़े ने क्या किया? केयरफुल गाइस, केयरफुल, अब घुड़सवार घोड़े को नहीं चला रहा, अब घोड़ा घुड़सवार को चला रहा। ये पैटर्न बन जाता है, कमान, क्या बन जाता है? पैटर्न बन जाता है। देखिए बात बड़ी सिंपल है, संस्कार, गिव मी योर राइट हैंड आउट, कमान, क्या? संस्कार से आता है, विचार से बनता है, जैसा होगा व्यवहार आपके बारे में वैसा ही होगा, जिसका बढ़ गया प्रचार उसका अपने आप बढ़ेगा और सपना हो जाएगा। सर ये नया प्रोजेक्ट ना डिफिकल्ट लग रहा है। हाँ क्या? नए प्रोजेक्ट की बात कर रहा हूँ सर। नहीं नहीं वो वर्ड। सर प्रोजेक्ट। चेकबुक देना। क्या? डिफिकल्ट सर। यस। डिफिकल्ट। क्या होता है? सर आपने पहले कभी डिफिकल्ट नहीं सुना? ये सुना होता ना तो आज तक मैं समोसे की दुकान पे समोसे बना रहा होता, ये फैक्ट्री खड़ी नहीं करी होती मैंने। ये वही सुनता हूं जिससे मेरे इरादे मजबूत होते हैं। 100 के 100 भाइयों के समाज कुल नाश हो गया। दोस्तों मैं आपको तीसरा उदाहरण देता हूं, जहां बुद्धि नहीं लगाई गई, देखिए क्या हुआ। कल मिलना था राजपाट और अगले ही दिन मिल गया वनवास। मां ने कहा, पिता ने 2 वर दिए थे भगवान राम से कहा, और उस 2 वर में तुमको 14 साल के लिए वनवास और भरत को राज तिलक। चाहता तो ये भी बुद्धि लगा सकता था, चाहता तो दिमाग लगा सकता था, चाहता तो सोच सकता था, लेकिन इसने ना दिमाग लगाया ना सोचा, इसने एक ही बात कही कि मां कब जाना है, और ये 14 साल के लिए वनवास चला गया। दोस्तों जो बुद्धि नहीं लगाए उनकी पूजा युगों युगों तक हुई, और जो बुद्धि लगाए वो विनाश का कारण बने। मैं आपसे इतना ही अनुग्रह करना चाहता हूं कि ज्यादा बुद्धि हमेशा विनाश का कारण बनती है। धन्यवाद।